रीवा व्यापारी संघ न्यास बाजार का लगातार 13वां दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व रेवांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा व रीवा महापौर अजय मिश्रा धरने में शामिल हुए। जी हां, खबर रीवा शहर से है, जहां लगातार 13वें दिन व्यापारी संघ न्यास बाजार सिरमौर चौराहे में व्यापारियों का धरना चालू है, जिसमें आज कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा व रीवा महापौर अजय मिश्रा बावा भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे और रीवा विधायक व भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि रीवा शहर को संदड़िया बिल्डर के नाम पर बेचा जा रहा है। सिरमौर चौराहे में बनी 90 दुकानों को हटाकर राजेंद्र शुक्ला पाप कर रहे हैं। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि दुकानदारों ने बैंकों से लोन लेकर दुकानें खोली हैं। उनके परिवार का क्या होगा, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। देखिए, सिरमौर चौराहे के व्यापारियों संघ का ये 13वां दिन का कर्मी कंसन जारी है और रीवा के डेवलपमेंट और विकास पुरुष कहे जाने वाले रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने एक ऐसा नया कार्य कर दिया है कि अभी तक तो वो ज़मीनें बेचते थे और उन ज़मीनों को मान लीजिए कहा जाए बेचते थे कि जो कहते थे कि ये अनयूज हैं, इनका उपयोग नहीं है, ये मकान सड़ रहे हैं, ये बिल्डिंगें सड़ रही हैं। पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि रीवा के 90 दुकानदारों की सिरमौर चौराहा से जो यूनिवर्सिटी मार्ग में बनी है उनको चलती दुकानों को गिरवाने की व्यवस्था की जा रही है। अब विस्थापित करके उनको पीछे दिया जा रहा, उसके आगे समदरिया बिल्डर को मॉल बनाने के लिए ये दुकानें दे रहे हैं। ये बहुत अन्याय वाला कार्य है और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी इनको विस्थापन की नोटिस नहीं दी गई है और न विस्थापित किया जा रहा है। 2022-42 तक की इनकी लीज भी रिन्यूअल की है नगर निगम ने। ये सभी लोग प्रॉपर हर साल अपना संपत्ति कर, शिक्षा उपकर और कचरा कर भी दे रहे हैं। ऐसे में इन दुकानदारों के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, हमारे MIC के मेंबर निर्माण विभाग के सम्मानित धनेन्द्र सिंह जी, अमित चतुर्वेदी जी, हमारे नेता राजेश मिश्रा बब्बू, हमने आपको बता तो दिया, सारी जमीनों की जांच कराएंगे। 2023 में सरकार आने दीजिए, सारी जमीनों की जांच कराएंगे। जो रिवर फ्रंट है, इको पार्क है, जो सब फर्जी ढंग से बन रहे हैं, NGT के मतलब शुद्ध शुद्ध आदेशों का खुला उल्लंघन करके इको पार्क बनाया जा रहा है, उसका हम लोगों ने जो हमारी सरकार 13 महीने की थी संविधान उसकी निविदा निरस्त करा दी, उसकी निविदा को कैसे रिन्यूअल किया गया इसकी भी जांच कराएंगे। एक एक मुद्दे को हम लोग पकड़ के जांच कराएंगे। 2023 का चुनाव होने दीजिए, कांग्रेस सरकार बनेगी और ये सारा भ्रष्टाचार खोल देंगे। व्यापारियों के साथ तो हम खड़े ही हैं, नगर निगम का महापौर और उसकी MIC और कांग्रेस के सम्मानित सारे नेता, हमारे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, धनेन्द्र सिंह जी वगैरह सब लोग, हम लोग और राजेश मिश्रा बब्बू हमारे कांग्रेस के नेता, ये तो मोर्चा ही थामे हुए हैं। तो कांग्रेस तो व्यापारियों के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रही। गरीब, छोटा मजदूर, किसान, व्यापारी जो भी है वो कांग्रेस का साथ है। हमारे सिरमौर चौराहे के व्यापारी साथी यहाँ आज 13वां दिन हो गया उनको अनशन पर बैठे हुए और वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो एक निर्माण कार्य पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर किया जा रहा है, जिसमें उनकी दुकानों को उजाड़ने की प्लानिंग है, उसके खिलाफ़ वो लोग बैठे हैं। आज हम लोग, हमारे नगर के प्रथम नागरिक, रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के साथ हम सभी कांग्रेस के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राजेश मिश्रा बब्बू भाई ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और बताया इस संघर्ष के बारे में। हम लोगों ने यह देखा कि वाकई इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर ये ज़मीन तो दी ही गई है बिल्डर को, इनको फ्रंट में जो शॉप इन लोगों को 2042 तक लीज पे मिली हुई है, उन दुकानों को से इनको हटाकर और कहीं गली में दूसरी दुकान देना ये कतई उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई भी विकास करना है तो विकास का उद्देश्य तो होता है रीवा की जनता के लिए विकास करना, पब्लिक के लिए विकास करना, तो ये लोगों को उजाड़ के कैसे विकास कर रहे हो आप? रीवा में कौन सी ऐसी दुकानों की ज़रूरत है,
कौन सी ऐसी कम दुकान है रीवा में कि आप एक नया मॉल बना रहे हो, और यहाँ ऑलरेडी 90 दुकानें जो चल रही हैं, आपने एक भी बार नहीं सोचा कि इसमें 90 परिवार चल रहे हैं, उनके यहाँ लोग काम करते हैं, किस तरीके से इन्होंने 12,500 रुपये में वो भी बैंकों से लोन लेके दुकानें ली थी, किस तरीके से दुकानें ली थी। अगर इनको नया बाजार ही यहाँ बनाना है तो इनको बड़ी दुकान इन्हीं लोगों को बना के देनी चाहिए और इन्हीं से निर्माण लागत ले लेनी चाहिए। उसमें आपको समदड़िया बिल्डर या कोई और बिल्डर इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ये लोग खुद इतने सक्षम हैं, इनको दे देनी चाहिए बड़ी बड़ी दुकानें और उनसे इसका पैसा ले लेना चाहिए। सरकार का काम धन कमाना नहीं है, सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना। सरकार का ये काम नहीं है कि लोगों को उजाड़े। पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम से ये जिस तरीके का खेल रीवा में चल रहा है, सरकारी ज़मीनों को कौड़ियों के दाम दे देना, और पहले तो आपने सिर्फ ज़मीनें दी, आज आप लोगों का रोज़गार छीन रहे हो। क्यों छीन रहे हो भाई, ये गलत चीज़ है, इसका विरोध है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते आई है, और आज हम, हमारे बाबा भाई, हमारे धनेन्द्र सिंह जी, हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को भी, इन व्यापारियों को भी, कि इनकी लड़ाई जहाँ तक चलेगी वहाँ तक हम इनका साथ देंगे।